Just Living Home, like, subscribe my channel. और मैं पंखा लेने वाला हूँ, बस कि ज़्यादा बहुत ही गर्मी शो हो रही है, गर्मी हो रही है। हेयर स्टाइल देखें जी ज़रा हमारा, अभी हम पे ना टाइम आ गया है, हम ज़रा बाल शाल खुद ही बनाने लग गए हैं। देखें ज़रा जेल शेल लगाई है हमने और स्टाइल बनाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे? हम लोग जा रहे हैं जी आज फैन देखने, क्योंकि हमारी तरफ हो रही है गर्मी, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। और हमें बताइए, आ गए पहुंच गए हैं जी शॉप में, तो अभी लाइन लगी हुई है और सबसे पहले तो वो हम फील हाँ लाइन लगी हुई है और हम हाथ साफ करेंगे और फिर हम जाएंगे अंदर। आगे जाते हैं ना आगे, ये जो ये लगे हुए वैसे तो ये देखें जो हम लेने आए हैं, ये और हम आपको ले जाते हैं एग्जैक्ट जहाँ पे इसका वो स्टॉल है, तो वहाँ हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा देंगे। और हसनी की एक्साइटमेंट रूज पे है क्योंकि उसको फैन से कोई दिलचस्पी है बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, ये हम आ गए, ये लेना है, ये अच्छा लग रहा है हसनी। ये देखो, हाँ जी, ये देख लें जी, हसनी को ये पंखा अच्छा लग रहा है। नहीं, हमने ये नहीं लेना, हम कुछ और देखते हैं। हैं क्यों? ये बिल्कुल अच्छा है। हाँ, सच्चियां भी हैं। अच्छा, ये इसका स्टैंड अच्छा है सिर्फ इसलिए, ठीक है। हम ये एयर कूलर भी तो ले सकते हैं, ये क्यों नहीं ले सकते? ये एयर कूलर क्यों नहीं ले सकते? हाँ, ये क्यों नहीं ले सकते? किधर जाएंगे अब? नहीं, उधर किधर? नहीं, मशीन नहीं दिखानी, हम जो लेने आए पहले वो दिखा लो उनको, मशीन फिर दिखाएंगे। हाँ, ये है तो आपने लेना है, ले सकते हैं। आपने कौन सा लेना? हाँ, ये वाला। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, ओके जी। आज हम आपको दिखाते हैं फैंस, क्योंकि हमारे तो थोड़ी सी गर्मी होगी ज़्यादा, और हसनी जो है वो जा रहे हैं वो अपने कॉर्नर की तरफ जहाँ पे वो एज़ यूजल पाए जाते हैं। तो हमारी तरफ देखें जी, दुनिया जो है वो आगे को जा रही है और हम लोग जा रहे हैं पीछे को, क्योंकि हमारे तरफ गर्मी का पहले तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो अब इस दफ़ा जो है, पिछले साल भी गर्मी हमारे पास काफ़ी पड़ी, तो लेकिन चलें फिर भी, लेकिन इस साल ज़रा ज़्यादा है, बता रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा होगी। तो हम आए हैं, ये देखें जी, हमारे पास फ़ैन याद करा दी पाकिस्तान की के पेडिस्टल फैन सारे, ठीक है। तो ये प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस में हमारे पास लगे हुए हैं, लेकिन हमारा असल में घर जो है ना, उसका मसला ये है कि जब सूरज निकलता है तो वो हमारे घर को एक तरफ से खुशामदीद बोलता है, और जब सूरज गुरूब होता है तो खुदा हाफिज़ जो है ना वो दूसरी तरफ से बोलता है। तो फिर जो ये दो महीने हैं ना, ज़रा मतलब गर्मी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही होती है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँगी, होप आप लोगों को पता ही हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता होगा। ये है जी हमारी तरफ, इसको हम बोलते हैं पुख्ताब एसी, जैसे हमारी तरफ हम पुख्ताब लैपटॉप को हम लोग पुख्ताब बोलते हैं, पुख्ताब पीसी कहते हैं, मतलब कि आप उसको हाथ में पकड़ के, ये वो कंप्यूटर जिसे आप हाथ में पकड़ के हर जगह लेके जा सकें, तो ये पुख्ताब एसी हैं हमारी तरफ, ठीक है। और बड़े ज़बरदस्त हैं, विद इन 15 मिनट जो है वो कमरा जो है वो ठंडा कर देते हैं। तो मेरी दोस्त हैं एक, उन्होंने लिया है तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो ये है, मतलब कूलिंग इसकी ज़बरदस्त है। तो ये तकरीबन जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइस है ना वो है, आपको दिखाती हूँ इसकी, इसमें साइज़ का कोई नहीं है कि मतलब छोटे साइज़ में भी है तो प्राइस उसकी ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए, मतलब जैसे ये साइज़ बड़ा है लेकिन इसकी प्राइस जो है वो 350 यूरो, लेकिन ये है इसकी कूलिंग का वो ज़्यादा है, मतलब ये इसकी कूलिंग स्पीड ज़्यादा है और ये जल्दी कमरा जो है वो कर सकता है। तो ये तकरीबन 700 यूरो का है, 700 यूरो को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 170 रुपीज़ में, तो आपको पता लग जाएगा कितने का, लेकिन है बड़ी कमाल की चीज़ है। इस तरह में जैसे मेरा घर है तो वो गर्म हो जाता है एकदम से, मतलब तो उसमें ज़्यादा ये वो है, तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग लगा। आज असल में हम लेने नहीं आए, हम सिर्फ देखने आए हैं, लेंगे हम तकरीबन जो है ना एक दो दिन में, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड स्टार्ट होने वाली है,
तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इसको जो है ना सोल्ड में लें। तो अभी जो अगर इसकी प्राइस ये है तो सोल्ड में ये तकरीबन हमें थोड़ा 100-150 यूरो कम में मिल जाएगा। तो अपनी पॉकेट के बारे में भी सोचना होता है ना जी। तो ये है हमारे पास जो एयर कूलर्स हैं जैसे पाकिस्तान में, लेकिन उस तरह वो सिस्टम नहीं है इनका। है ये भी ज़बरदस्त, ये भी मतलब कमरे के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन फिर एक ही बार जब चीज़ लेनी है तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हम फिर बंदा ले कर ज़रा अच्छी ले ले, लेकिन थोड़ा करके ले ले, देख के ले ले चीज़ वो ले ले। लेकिन हसनी को जो है ना वो पंखों में इंटरेस्ट है। ये जो पेडिस्टल है ना उसके लिए बिल्कुल ये नई चीज़ है। इसने उसको तो इसमें ऐसा लगता है ये जब ये घूम रहा होता है। तो हम एक बार पाकिस्तान गए तो आई थिंक हसन उस वक्त कोई 5 साल का था। तो पाकिस्तान गए तो वो जो अच्छा छतों वाले पंखे लगे हुए होते हैं ना, तो ये उसको देखे और ये सोए कोई ना। तो मैं इसको बोलूँ कि मामा ये मेरे ऊपर गिर जाएगा। मैंने कहा ये नहीं गिरेगा, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। कहता नहीं नहीं मामा, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना ये मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो मतलब कि इसको उस वक्त मतलब अब इतना टाइम हो गया, तो अभी ये इसने पेडिस्टल फैन जब देखे हमारे जाने वाले की तरफ, हम गए तो उधर लगा हुआ था, तो ये उसके सामने ही बस खड़ा रहा और हंसता रहा कि मामा इसमें से बड़ी अच्छी मुझे हवा जो है ना वो आ रही है। तो अब मैंने आपको दिखाई हैं 3 डिफरेंट चीज़ें। ये फ़ैन जो आप हमारे वैसे वो हैं, ये नॉर्मल जो हैं वो रूम कूलर हैं, और ये पुख्ता अब एसी हैं। और अब हमें बताएं कि हम कौन से वाला लें। बात मतलब मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, प्राइस वो भी हो, लेकिन अभी आपको बताया है कि अगले वीक में जो है वो वैसे भी सोल्ड स्टार्ट हो जानी है, तो हम जो है ना वो सोल्ड के हिसाब से ही लेंगे। तो आज का ये था हमारा छोटा सा व्लॉग जो हमने बनाया अपने इसके ऊपर, क्योंकि हसनी कुछ चाहिए फ़ैन। और आज का जो है वो मैं शॉर्ट आउट जो है वो दूंगी 2 लोगों के लिए, जिसमें 2 चैनल्स के लिए, जो जिनमें एक चैनल बहुत बहुत तो मतलब अच्छा बेहतरीन चैनल है, प्लीज़ काइंडली आप उनको मस्ट विज़िट करें। वो चैनल का नाम है सोचने की बात। अगर यकीन करें, अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके चैनल को मस्ट विज़िट करें, आपको चीज़ें जो है वो अच्छी मिलेंगी। आ जाऊँ चले वो पकड़ें अपनी वो बास्केट पकड़ें फिर चलते हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। तो उनके चैनल को मस्ट विज़िट करें और यकीन करें आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा उनके चैनल पर जाके। और जो दूसरा जो है वो मैं जो शॉर्ट आउट दूँगी वो भी मतलब हमारी बहुत अच्छी बहुत प्यारी बहन, उनका चैनल भी जो है वो पाकिस्तानी मम। ऐसे ये भी अच्छा तरीका अपने चैनल को प्रमोट करने जी फ्रेंड्स। तो आपको दिखाते हैं पब्लिसिटी का एक तरीका जो मेरे बेटे ने ढूंढा है, वैसे ज़बरदस्त ढूंढा है कि देखें यहाँ पे लगी हुई हैं गैलेक्सी और सब, और इसने क्या किया है कि ये देखें यहाँ पे भी अपनी वीडियो ऑन कर दी है, इसके ऊपर भी जो है वो अपनी वीडियो यहाँ पे भी ऑन कर दी है, और ये देखें यहाँ पर भी हम हसन ने अपनी वीडियो जो है वो ऑन कर दी है। ठीक है, तो क्या लिखूँ, लिख दिया तो हुआ है वहाँ पर, और क्या लिखना। ये देख लें जी, ये हम जौन सी जगह पे भी जा रहे हैं, हम अपनी अपनी जो है ना वो क्लिप्स लगा रहे हैं ताकि हसनी को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सके। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।